जल्द ही नया शो आपके घरों पर दस्तक देने के लिए तैयार, और हमारे साथ उस पर बात करने के लिए किंजल धमेचा यानी कि सिद्धि। किंजल, वेलकम टू इंडिया टीवी। नमस्ते, कैसे आप? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। बावरा दिल, एक हमने प्रोमोज देखे, काफी अच्छे प्रोमोज लग रहे हैं, काफी तेज तर्रार नजर आ रही है सिद्धि, तो किस तरह का शो होने वाला है और किस तरह का किरदार है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपको प्रोमो अच्छा लगा। स्टोरी बहुत यूनिक है, बहुत कुछ है इस स्टोरी में। बावरा दिल इज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ लव, हेट, पॉलिटिक्स, पावर, रिवेंज। सो देर आर मेनी थिंग्स फॉर द ऑडियंस। ऑडियंस के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा ड्रामा है, सो स्टे ट्यून। बिल्कुल, जितना हमने प्रोमोज में देखा तो जो हमने जितनी भी झलक हमें सिद्धि की नजर आई, काफी तेज तर्रार सी नजर आ रही है, तो असल जिंदगी में सिद्धि और किंजल कितने मिलते जुलते हैं, कितने अलग हैं? मिलते जुलते काफ़ी सारी मैं चीज़ें हैं जिसमें मैं सिद्धि को रिलेट कर सकती हूँ। गुस्सा जितना सिद्धि को आता है उतना नहीं आता मुझे, आता है पर उतना नहीं आता। सिद्धि की कुछ क्वालिटीज है, जैसे कि उसे लैंग्वेजेस आती है बहुत ज़्यादा, 7 languages आती है। सो मुझे रियल लाइफ में मुझे खुद को आती है हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, मारवाड़ी, हरियाणवी, भोजपुरी, एंड आई कीप ऑन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। तो ये एक सिमिलैरिटी है। और सेकेंड थिंग, जैसा एक सिद्धि का एटीट्यूड है कि शी हैज़ सम इनर स्ट्रेंथ, एक ताकत है उसमें कि चाहे कुछ भी उसके सामने हो जाए वो लड़ने के लिए तैयार है। तो वो एक इनर स्ट्रेंथ सर हर किसी में होनी चाहिए, सो मैं भी वो स्ट्रेंथ अपने साथ लेके चलती हूँ हमेशा। किंजल, जैसा आपने बताया कि मतलब आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, कई सारी लैंग्वेजेस आती हैं, हमने अभी कुछ देर पहले आपसे मराठी में बात भी कर रहे थे, तो अब जो कि शो की थीम है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र बेस्ड थीम है, तो वो चीज़ों का फ़ायदा मिल रहा है मराठी का और उस एक्सेंट का? अगर आपको लैंग्वेज आती है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो आप उस चीज़ का एक्सेंट जो है ना वो बहुत नेचुरली पकड़ सकते हैं। उसके लिए अलग एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होती और वो फेक नहीं लगता, बिकॉज आई नो मराठी। सो एक छोटा छोटा प्रीफिक्स या कहीं कोई एक जिस तरह से उनका प्रोनाउंसिएशन होता है, कुछ भी अगर मैं कैप्चर कर लेती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाता है। अच्छा, अब कुछ समय पहले लॉकडाउन था, सारा देश एक क्राइसिस से गुजरा है, तो ये जो कैरेक्टर है लाइक किंजल से सिद्धि का ट्रांसफॉर्मेशन, बावरा दिल किस तरह से आपके पास हुआ, किस तरह से, हाउ डिड यू गॉट दिस जर्नी? लॉकडाउन, मैं लॉकडाउन की एक ही अच्छी चीज़ जो है कह सकती हूँ कि मेरा परिवार मेरे साथ था, हम सब सुरक्षित थे, और मैंने काफ़ी उस टाइम का पॉजिटिवली उसको मैंने यूज़ किया है अपने खुद के ग्रोथ के लिए। आई यूज़ टू पेंट, आई यूज़ टू डांस, आई यूज़ टू डू वर्कआउट। सो ये सारी चीज़ें मेरी एक ऑनगोइंग प्रोसेस था जो एक आर्टिस्ट को करते रहना चाहिए, काम हो ना हो, लेकिन जो हमारा काम है वो होते रहना चाहिए, वो स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होने पे था कि बस अब ओपन हो रही है चीज़ें, लेकिन तब तक ऑडिशन स्टार्ट नहीं हुए थे, सो आई यूज़ टू गो अंधेरी, आई यूज़ टू रोम एवरीवेयर फॉर द ऑडिशंस, बट ये पर्टिकुलर ऑडिशन मैंने घर पे एक सेल्फ टेप, सेल्फ वीडियो बनाकर भेजा था, सो दे लाइक्ड मी, एंड उसके बाद हमारे मॉक शूट्स हुए एंड मैं सेलेक्ट हो गई। क्या बात है, तो लाइक हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से आपकी जर्नी रही, आप आगे भी शो बहुत अच्छा करेगा। तो जाते रहते सभी दर्शक, फैंस, व्यूअर्स से बावरा दिल की बात करें, तो असल जिंदगी में किंजल का बावरा दिल क्या कहता है? असल जिंदगी में बावरा दिल ये कहता है कि यहाँ पर सेट पर हर कोई बहुत मेहनत करता है, 12 घंटे 15 घंटे, सुबह रात की शिफ्ट होती है, फिर सुबह की शिफ्ट होती है, हर कोई इतनी मेहनत कर रहा है। तो मेरा दिल ये चाहता है कि सबकी मेहनत रंग लाए, आप सबको हमारे एफर्ट्स, हमारा काम, हमारी परफॉर्मेंस पसंद आए, और एक छोटी सी आप सभी के दिल में जगह बन जाए। किंजल, जाते जाते हम बावरा दिल की बात कर ही रहे हैं, तो आपकी लाइफ का कोई बावरा दिल मोमेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, कभी लाइफ में, स्कूल्स में, कॉलेज में, कोई ऐसा बावरा दिल मोमेंट? सी, यहाँ पे बावरा दिल मोमेंट ऐसा है कि सिद्धि को गुस्सा आ रहा है एक लड़के पे, तो वैसा वाला ऐसे कभी लाइफ में नहीं हुआ है, लेकिन यार मोहब्बत में पीटा वीटा है लड़कों को मैंने, काफ़ी ये सारी चीज़ें की हैं तो ये सब चलते रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो बावरा दिल ये बहुत हटके है, बहुत अलग है। आई थिंक ये लोग एक होता है ना कि कभी देखा नहीं है ऐसा कुछ, तो वैसा लोग इसे देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो ये थी किंजल जो बता रही थी अपने नए शो के बारे में। कैमरामैन हर्षद के साथ आशुतोष बड़गैया, इंडिया टीवी, मुंबई।